अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप कैसे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से और ठीक होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए थे आपसे मुलाकात किए हुए, आज मुलाकात फिर से आपके साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक भाई की कमेंट्स के ऊपर है। एक भाई ने कहा हमारे कबूतर जो है ऊंचे नहीं जाते, बंद नहीं होते या नीचे नीचे टहलते रहते हैं। तो उसके लिए आज एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ स्पेशल बेहतरीन, जिन भाइयों के कबूतर ऊंचे नहीं जाते, ऊपर नहीं जाते, तो वो इस नुस्खे से कबूतर जो है उनके ऊंचे जाएंगे। तो दोस्तों जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या सामान लेना होगा, ठीक है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और किन कबूतरों पे, ये उन्हीं कबूतरों पे सिर्फ इस्तेमाल करना है जो कबूतर आपके ऊंचे नहीं जाते या बंद नहीं होते, वो हाई फ्लायर हो, ठीक है, या लो फ्लायर, ज्यादा नीचे चल रहे हैं। अगर चाहते हैं आप ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा उड़ाना, तो उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लो फ्लायर पे। तो उसके लिए, और इससे जो है परवाज भी अच्छी देंगे, तेज चलेंगे, तेज प्रकट होगी, ठीक है, जो कहते हैं लोग। तो बहुत चीजों में ये फायदा देने वाला है ये नुस्खा, ठीक है। तो इस नुस्खे को इस स्पेशली आपके लिए बता रहा हूँ, और क्या क्या सामान है वो भी आज आपको बता रहा हूँ। तो इसको करना क्या है आप सुन लेना और बता रहा हूँ सामान, तो नोट कर लें। इसके लिए जो सामान लेना होगा वो है लौंग, जो लौंग होता है खाने वगैरह में डलता है लौंग, आप नोट कर ले पहले। लौंग, तुम्हारा काली मिर्च, काली मिर्च जो होती है, ठीक है, और इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ठीक है, बराबर मिकदार में ये सामान लेने हैं और सबको पीस लेना है, ठीक है, पीस लेना है। और इसमें डलेगी मुनक्का, ठीक है, मुनक्का और एक लहसुन, ठीक है, मुनक्का ना डालें तो लहसुन डाल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ना डालने चाह रहे हो तो ना डाल सकते हो, वैसे फिलहाल दोनों चीज़ें डलेंगी इसमें, ठीक है। लहसुन कितनी लेनी है, लहसुन की कम से कम 3 से 4, जो उसकी साइडों में बीज होते हैं वो लेने हैं 4, उसके साफ कर लेना उसको, और कोट के पेस्ट बना के उस सब चीजों में मिलाना है, और मुनक्का 1, इन सबको बना के एक माजून टाइप बन जाएगी, ठीक है, वो आप डिब्बे में रख लें, डिब्बे में रख लें। फिर उसको करना क्या है, रात 11 बजे जो कबूतर आपका बंद नहीं होता या उसकी मीठी चाल है, चाल अच्छी नहीं है, तेज चाहती है कि आप हमारा कबूतर तेज चले, तो उसके लिए ये नुस्खा आज आपको स्पेशली बता रहा हूँ। उसको रात 11 बजे काली मिर्च के बराबर लेके उस कबूतर को दे देंगे, और ऊपर से 10 ml पानी दे देंगे सादा, ठीक है। सुबह जब आप कबूतर को उड़ाएंगे तो नीम गर्म पानी उसको देंगे, हल्का सा नीम गर्म, मतलब यह है कि बिल्कुल ठंडा ना हो, नॉर्मल कंडीशन में पानी हो, ठीक है, वो पानी उस कबूतर को देंगे जितना भी वो लेके उड़ता है, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी परकट कितनी तेज होगी, और वो उठते ही आसमान चला जाएगा, ठीक है, आसमान जरूर बंद होगा वो, ठीक है, या फिर बिल्कुल, अगर इससे भी अगर वो मतलब ये कबूतर जल्दी बंद ना हो तो आप करना क्या है, 1 घंटे पहले इतनी मेकदार में ये माजून लेके 1 घंटा पहले दे देंगे, और नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, जब उड़ाएंगे उस टाइम जितना भी पानी आप देते हो वो पानी दे देंगे और कबूतर को उड़ाएंगे। इंशाल्लाह कबूतर जो है आसमान बंद होगा, परकट उसकी तेज होगी, और कबूतर जो है बहुत अच्छी परवाज देगा, इससे उड़ान भी बढ़ाएगा। ये सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हो और गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो भाइयों कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय हिंद।